हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेनियल कुकीज। आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर दाल और अंडे का एक अनोखा रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनता है। घर में मछली या चिकन ना हो तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। एक बॉल के अंदर एक कप जितना मसूर दाल ले लेंगे। इसे अच्छी तरह से धो के इसे पानी से भिगो के रख देंगे एक घंटे के लिए। दाल को अच्छी तरह से धो ली है, अब पानी से इसे भिगो के रख देंगे एक घंटे के लिए। और रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 कटे हुए प्याज, 1 कटे हुए टमाटर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। यहाँ पर है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट और हमें चाहिए 2 अंडे। और यहाँ पर मैंने 3 आलू ऐसे काट ली है और इसे अच्छी तरह से धो ली है। दाल को भिगोए हुए 1 घंटे हो गए हैं, अब इससे हम पानी निचोड़ लेंगे। अब इसके ऊपर 2 अंडे फोड़ लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में पेस्ट बना लेंगे। इन्हें अब ग्राइंडर जार में ले लेते हैं और एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के टाइम पे हमें कोई एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ी थी, आपको जरूरत हो तो थोड़ा पानी देके इसे स्मूथ पेस्ट बना ले। देखिए हमने ऐसा स्मूथ पेस्ट बना ली है। अब ले लेते हैं एक परत और उसके ऊपर थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई बिठा दी है, अब इसमें दे देंगे 3 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल। तेल गर्म होने पर हमें इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड करनी है। मैंने पहले ही पेस्ट डाल दी थी, पहले मसाले ऐड करनी थी। कोई बात नहीं, साइड का जो तेल बचा है उसमें एक एक करके मसाले दे देते हैं। थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, इन्हें थोड़ा मिला लेते हैं। अब दे देंगे 2 चॉप किया हुआ हरी मिर्च और इन्हें थोड़ा चला लेंगे। और इसमें दे देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चीनी और सारे चीजों को मिला लेते हैं। ये मिक्सचर को हम लो मीडियम फ्लेम पे तब तक चलाते रहेंगे जब तक ना ये ड्राई हो जाए और धीरे धीरे पैन को छोड़ने लगे। देखिए मिक्सचर पैन को थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है, इसे और कुछ देर चला लेते हैं। ये मिक्सचर अब पैन से और नहीं चिपक रहा, इसी टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे। मिक्सचर को अब ले लेंगे ऑयल से ग्रीस किया हुआ परत में, इसे परत पर फैला देंगे और एक चौकोर शेप दे देंगे। इसे मैंने 1 इंच जितना थिक रख के फैलाया है। अब इसे ठंडा होने के लिए कुछ टाइम छोड़ देंगे। ठंडा होने पर आप किसी भी शेप और साइज में काट ले, मैंने चौकोर काट ली है। मैंने ऐसे पीस बना ली है, ये देखिए। अब एक बॉल में ले लेंगे 2 चम्मच मैदा, ले लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक और इन्हें मिला लेंगे। इसमें थोड़ा पानी मिला के एक पतला बैटर बना लेंगे। ये बैटर हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, इसे थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में रखना है। देखिए बैटर इसे थिक नहीं बनाना है। अब इसमें दे देंगे लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट और इन सारे चीजों को हम मिला लेंगे। सारे मसाले बैटर के अंदर घुल गई है और हमारा बैटर तैयार है। अब फिर से कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें दे देंगे रिफाइंड ऑयल।
तेल गरम हो चुका है। अब मिक्सचर का एक एक पीस बैटर में डुबो के एक कोटिंग लगा देंगे और इसे तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। पीसेस को अगर डायरेक्टली तेल के अंदर फ्राई करने के लिए दे देते तो ये टूटने का चांसेस रहता है, इसीलिए हम एक पतला कोटिंग कर रहे हैं इसके ऊपर ताकि ये ना टूटे। अब ध्यान रखें कि पीसेस के ऊपर बैटर का एक पतला ही लेयर जाए, इस काम के लिए आप फॉक का यूज करें, इससे आसानी होती है। ऐसे ही सारे पीसेस को कोट करके फ्राई कर लेते हैं। एक साइड फ्राई हो गई है, अब इन्हें पलट देते हैं। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुकी है, अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस में बाकी के पीसेस भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे पीसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब कटे हुए आलू के अंदर दे देते हैं थोड़ा सा नमक और हल्दी और इसे मिला लेते हैं। 4 टेबलस्पून तेल के अंदर इन सारे आलू को हम फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुकी है, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब ग्रेवी बना लेते हैं। उसी तेल के अंदर हम दे देंगे कटे हुए प्याज। प्याज को थोड़ा चला लेंगे। प्याज भुनने टाइम पे हम इसमें दे देंगे थोड़ा सा नमक, इससे प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। प्याज लाइटली भुन गई है, अब इसमें दे देंगे कटे हुए टमाटर और इसे थोड़ी देर प्याज के साथ चलाकर सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसमें दे देंगे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी की पाउडर, थोड़ा सा नमक और ग्रीन चिली पेस्ट, अदरक की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट और सारे चीजों को मिला लेंगे। सारे मसाले मिलाने के बाद इसमें दे देंगे थोड़ा सा पानी और कुछ टाइम और भून लेंगे। मसाले सारे भून चुका है, हम इसमें 2 हरी मिर्च भी ऐड कर दिए थे, अब इसमें 1.5 कप जितना पानी दे देते हैं। अब सारे फ्राई किया हुआ आलू जाएगा इसके अंदर। अब इसे हम ढक देंगे और छोड़ देंगे उबलने के लिए। अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं कि आलू गल गई है या नहीं। आलू सारे बॉईल हो गई है, अब इसमें दे देते हैं सारे फ्राइड पीसेस। अब इन पीसेस को धीरे धीरे करके ग्रेवी के अंदर डुबो देते हैं। सारे पीसेस को हम ग्रेवी में डुबो देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। देखिए ये डिश कितना टेस्टी दिख रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप भी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।